योगी की पुलिस कभी लोगों का एनकाउंटर करती है तो कभी फर्जी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करती है। ऐसा ही एक मामला मऊ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिला, जहां एक 92 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति एम्बुलेंस के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचा और बुजुर्ग के परिजनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि जमालपुर मोहल्ला निवासी 92 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। वहीं इस मामले में परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग मुख्तार अहमद 10 साल से बीमार है, वह चल फिर नहीं सकता है। बावजूद इसके पुलिस उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने को लेकर बुजुर्ग के परिजनों ने तमाम अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। जिसके बाद पीड़ित परिवार 92 वर्षीय बुजुर्ग को एम्बुलेंस की मदद से कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे और जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम मारिया रफी, मैं जमालपुर मोहल्ले से हूँ। ये मेरे दादा अपने दादाजी को कलेक्ट्रेट लेके आए एम्बुलेंस के माध्यम से। सर, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 2020 में हुई है, जो कि मेरे दादा 90 वर्ष के हैं और 12 वर्ष से लगभग पैरालाइज्ड हैं, कोई काम नहीं कर सकते, ना पानी पी सकते, ना कुछ नहीं। और सर, हम इनको लेके आए DM साहब के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की हमें न्याय मिले और इस पर उचित कार्रवाई करें और हमें न्याय दें। पूरा मामला क्या है सर? ये ज़मीन मुस्लिम ताना कमेटी की है जो जमालपुरा मोहल्ले में है। तो सर, इस ज़मीन पे जो इकबाल और इरशाद हैं, उन्होंने उनके माध्यम से विपिन सिंह एग्रीमेंट करा के और फर्जी एग्रीमेंट करा के उसको बेच रहे हैं और पूरी ज़मीन बिक भी गई हमारी। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई इनके ऊपर? सर, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई और डेली हम लोग अगर कोई भी एप्लीकेशन थाने पे या कहीं भी लेके जाते हैं तो सर उल्टा पुलिस हमें दबिश देती है। अभी 9 तारीख इसी 9 को राम सिंह दोपहर में सर बिना किसी वारंट के आए थे और यूं घर खोल के पूरा घर एकदम उजाड़ फजाड़ के चले गए। मेरा क्या उम्र है इनकी? सर, इनकी उम्र लगभग 92 ईयर्स। कितने लोग घर पे गैंगस्टर लगा हुआ है? 5 लोग पे गैंगस्टर है। 92 साल के व्यक्ति का दादा पे दर्ज हुआ? यस। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? सर, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमको इस गैंगस्टर एक्ट से मुक्ति मिले और पुलिस जो बार बार दबिश देती है उससे मुक्ति मिले। नहीं तो सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, इतनी क्या करें सर, हम लोग आत्महत्या कर लें, पुलिस डेली डेली दबिश देती है हम लोग को। तो सर, हमको इससे न्याय चाहिए बस, हमें पुलिस का ये सब नहीं चाहिए थोड़ा, और बस थैंक यू। वहीं इस मामले में वाइस सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन ने बताया कि जमालपुर मोहल्ले के रहने वाले युवतियों ने उनको ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पीड़ित परिवार ने पुलिस द्वारा बुजुर्ग पर की गई कार्रवाई के मामले में न्याय दिलाने की मांग की है। क्या मामला है? मुनज्जर अभी आजमी पुत्री अबू रफी निवासी जमालपुरा थाना दक्षिण टोला के द्वारा अभी 3-4 महिलाओं ने ज्ञापन दिया पुलिस द्वारा कुछ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया है और जमीन के संबंध में कुछ अवैध निर्माण हो रहा है और तथ्यों की जांच के लिए कमिश्नर महोदय ने भी निर्देशित किया है CM सदर को। तो निर्देशित किया गया है CM सदर इसकी जांच करके और जो वास्तविक तथ्य है और प्रभावी कार्रवाई करके और इसमें दिशा निर्देश। अब देखना होगा कि अधिकारी इस मामले में क्या कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या पीड़ित परिवार यूं ही मदद के लिए दर दर भटकता रहेगा। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।